नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और आज हम जाने वाले हैं देहरादून के एक प्रसिद्ध स्थान देहरादून जू में। ये जू पहले मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था। उस समय केवल यहाँ पे हिरन ही होते थे, लेकिन अब यहाँ पर और भी कई सारे जानवर आ गए हैं, तो अब सरकार ने इसको चिड़ियाघर के रूप में विकसित कर लिया है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से जानवर यहाँ पे हैं और कैसे आप यहाँ पे जा सकते हैं और क्या रहेंगे यहाँ के चार्जेस। तो चलिए फिर, अभी हम जा रहे हैं देहरादून सिटी से मालसी डियर पार्क की ओर। तो जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये ही है देहरादून जू। यहाँ पे कई प्रकार के पशु पक्षी रखे गए हैं। तो ये है इसका मेन गेट। यहाँ पे जो एंट्री फीस है, यहाँ पे 20 रुपीज़ का इसकी एंट्री फीस लगती है। 20 रुपये का यहाँ पे टिकट लेना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे पार्क में अंदर घूम सकते हैं। यहाँ पर पशु पक्षी के साथ साथ ही कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए। हम आपको आगे बताएंगे अभी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन लोकेशन पर है ये मालसी डियर पार्क, और ये देहरादून सिटी से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं कौन कौन से जानवर यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो सामने दिख रहा है, ये है मछलियों का एक्वेरियम। यहाँ पे आप कई प्रकार की मछलियाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए कुछ एंट्री फीस ली जाती है, वो लेने के बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस 50 रुपये है और इसके अंदर आपको कई तरह की मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी सुंदर ये एक्वेरियम है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर से आपको टिकट मिल जाएगा और 50 रुपये मात्र इसका टिकट है। और अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। इसके अलावा अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो यहाँ पर आप कई प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। ये आप सामने देख रहे होंगे, जो ये रोप में झूलते हुए जा रहे हैं, इस तरह के यहाँ पे कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो अगर आप इनके भी शौकीन हैं, तो आप ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इस देहरादून जू में घूमने के लिए। तो फैमिली के साथ घूमने के लिए ये पार्क बहुत ही बेहतरीन स्थान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कछुए भी रखे गए हैं यहाँ पर कई सारे। इसके अलावा यहाँ पे कई प्रकार के पक्षी भी रखे हुए हैं, जैसे कि मोर, कई तरह के तोते, कई प्रकार के यहाँ पे पशु पक्षी रखे हुए हैं। तो अगर आप भी इसी तरह के जानवर देखना चाहते हैं, तो आप एक बार इस पार्क में ज़रूर आएं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस पार्क में तेंदुए भी रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और सामने ये जो हिरन दिख रहे हैं, पहले ये देहरादून जू मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे केवल हिरन ही होते थे, लेकिन अब कुछ समय से यहाँ पे काफ़ी सारे और जानवर आ गए हैं, तो अब इसको देहरादून जू के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो अगर आप भी इस पार्क में आना चाहते हैं, तो आपको हम बताते हैं कि कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इस देहरादून जू में आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा देहरादून में। तो देहरादून में आप बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं और प्लेन से आ सकते हैं। प्लेन की सुविधा देहरादून के जॉली ग्रांड तक है, तो देहरादून के जॉली ग्रांड तक आप प्लेन से आ सकते हैं। इसके बाद 17 किलोमीटर का सफ़र करके आप देहरादून पहुंच जाएंगे। इसके बाद देहरादून से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर है ये मालसी डियर पार्क, या देहरादून जू के नाम से इसे जाना जाता है, तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने चार्जेस वगैरह बता दिए हैं कि यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, जैसे कि 40 रुपये, 50 रुपये। इसी तरह से एंट्री फीस ली जाती है, और जो ये एक्वेरियम है, इनको देखने के भी 50 रुपये चार्ज लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरे पार्क में घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो पार्क है, वो भी बेहद ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है, और कई प्रकार के यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं, जिन्हें आप यहाँ पे चिड़ियाघर में आकर देख सकते हैं। तो अगर आप भी कभी देहरादून घूमने आएँ, तो इस देहरादून जू में आना ना भूलें। ये देहरादून का एक काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, और यहाँ पर कई प्रकार के जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।